तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज मैं जा रही हूँ सदर बाजार शॉपिंग करने। तो आज मैं मार्केट में काफ़ी सारी मार्केट जो है एक्सप्लोर कर, तो वीडियो में बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो यहाँ हम आ गए थे उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन। यहाँ हम वेट कर रहे थे मेट्रो का, ताकि मेट्रो आए तो हम जाए। तो यहाँ हमारी मेट्रो जो है आ चुकी थी। तो यहाँ हम उतर गए थे चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ से हम कर रहे थे एग्ज़िट, और एग्ज़िट करने के बाद बाहर जो है काफ़ी अच्छी सूट की मार्केट थी। यहाँ पर सूट के कपड़े, रेडीमेड सूट, हर टाइप के सूट मिल रहे थे। तो यहाँ से हमें मेन रोड की तरफ जाना था, ताकि हम वहाँ से मेन रोड की तरफ जाए तो वहाँ से हमें रिक्शा मिले सदर बाज़ार के लिए, क्योंकि हमें चांदनी चौक में कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी। हमें मेन जो शॉपिंग करनी थी वो सदर बाज़ार से करनी थी। तो यहाँ से गली थी, वहाँ से हम जा रहे थे और काफ़ी रश था। चांदनी चौक में तो खैर इतना रश नहीं था, बट सदर बाज़ार में बहुत ज़्यादा ही रश था, क्योंकि दशहरा, नवरात्रि, फेस्टिवल्स आ रहे थे, तो लोग वाग सारे शॉपिंग के लिए आ रहे थे। और यहाँ आप देख सकते हो मैं मेन रोड की तरफ आ गई थी। यहाँ से मैंने पता करे थे रिक्शे वगैरह, ई रिक्शा, यहाँ से ई रिक्शा जाता है 40 रुपये सवारी, 50 रुपये सवारी के हिसाब से। तो यहाँ मैंने रिक्शा करा था बैटरी वाला। तो यहाँ से हम निकल लिए थे सदर बाज़ार के लिए, बट सदर बाज़ार जाने में ही हमें 45 मिनट्स लग गए थे, बल्कि यहाँ से जो है 15-20 मिनट्स का रास्ता है। पर रश इतना था गाइस, मैं क्या बताऊँ आपको, आप कभी फेस्टिवल के टाइम मत जाना। तो यहाँ हम फ्लावर ख़रीद रहे थे, काफ़ी अच्छी शॉप थी, यहाँ पर डिफरेंट तरीके के बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। तो यहाँ से मैंने बहुत से फ्लावर ख़रीदे थे। यहाँ चूड़ियों की मार्केट से भी मम्मी ने चूड़ियाँ ली थी, और बाकी यहाँ पर टॉय मार्केट थी, वहाँ से भी हमने अपने टॉयज़ वगैरह खरीदे थे, लाइक बेबी प्रैम खरीदा था, डांसिंग कैक्टस खरीदा था। तो ख़रीदने के बाद मैं आ गई थी घर। तो दोस्तों, मैं सदर से जो है आ गई थी, तो रास्ते में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं आज भी जा रही हूँ चेकअप के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जस्ट अभी भी आई हूँ, और मेरा अपॉइंटमेंट है अभी 7 बजे का, तो मुझे डॉक्टर पर जाना है। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर पर, तो मिलती हूँ आपको चेकअप कराने के बाद। अगेन फिर मैं ऑटो कर लिया था, ऑटो में जा रही थी मैं। आज का दिन सीरियसली बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मैं ज़रा सा भी मैंने बेड रेस्ट करा था, बस पूरा दिन ट्रैवल में निकला था मेरा। तो यहाँ मैं डॉक्टर की शॉप के बाहर वेट कर रही थी अपने अपॉइंटमेंट का। तो अभी बज गए हैं रात के 8:30, और मैं अभी भी जस्ट आई हूँ डॉक्टर के पास से। तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी है, और मुझे उससे कहा है कि वो खाकर मुझे आराम मिल जाएगा। बाकी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।